कैसे हो आप लोग? डॉक्टर साहब, हमको छुट्टी चाहिए। अरे चुप करो यार, कब से लगा रखा है छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए। देखिए, वायरस बाहर बहुत फैल रहा है, आप लोग बाहर जाओगे और दोबारा हो गया तो कैसे होगा? हम तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं ना। ऐसा आपको लगता है, लेकिन अभी तक आपके फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आए हैं, तो तब तक तो आप। पर डॉक्टर साहब, हमको काम पर भी जाना पड़ता है, अगर नहीं जाएंगे तो खाने के वांदे पड़ जाएंगे। देखिए, आप बाहर जाओगे भी फिर भी काम पर तो नहीं जा पाओगे। वही तो हमारे बच्चों की फीस का क्या होगा? अरे अरे बाबा, एक मिनट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप सबको तो ठीक होना पड़ेगा ना। तो मेरे को मेरी माँ से मिलना है। अभी तुम किसी से मिलने नहीं जा सकते। तो मेरी माँ को इधर बुला लो। अरे तुम्हारी माँ तो क्या, भगवान भी यहाँ नहीं आ सकता। सिस्टर, इसमें जो दवाइयाँ लिखी है वही इसकी चालू रखिएगा। यस सर। तेरी वजह से मेरे को कोरोना हुआ है। मेरी वजह से कैसे? तू गया था ना तेरे अंकल के घर पे, वहां से लाया है तू। शांति रखो, तुम सो जाओ चुपचाप। दिमाग खराब करके रख दिया दोनों ने। एकदम चुप। तेरी वजह से, मेरी वजह से कब की एक एक बात सुन सुन के परेशान हो चुकी हूँ। खाना खा लिया तूने? हाँ खा लिया। तूने? मैंने तो अभी खाना खाया। और बाकी सब चेक किया? हाँ, कल वाला सब चेक। कितने पॉजिटिव आए? 10 पॉजिटिव है, बाकी सब नॉर्मल है। कोरोना के केसेस तो कितने बढ़ते जा रहे हैं यार। ये कोरोना ने तो अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैडम ये देखिए, कोरोना में तो लोग कैसे कैसे मर रहे हैं, हमारा क्या होगा? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? सर वो मिसेस विधि, आप मेरी कैबिन में आई अभी। जी सर। बड़ा खड़ूस डॉक्टर है ये। इतनी भयानक महामारी में आप उन्हें न्यूज़ दिखाएगी तो वो तो मौत आने से पहले ही मर जाएंगे, उनके दिमाग में भय बैठ जाएगा। I'm sorry sir, but अगर इंसान को वास्तविकता का भान कराया जाए तो डर दिलो दिमाग से दूर हो जाता है। Can you please explain me, Mrs. Vidhi? जैसे एक दिन इंसान को पता चले कि मौत आनी ही है तो मौत का खौफ चला जाएगा और इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलने लगेगा। Oh, really? Yes, sir. जब तक लोगों को बीमारी की इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो लोग बीमारी को लाइटली लेंगे, और जैसे ही उन्हें बीमारी की इफेक्ट्स के बारे में पता चलेगा वो लोग अपनी केयर करने लगेंगे। कोई भी काम करने से पहले तुम अपने सीनियर से परमिशन क्यों नहीं लेती? Come in. सर, आपको बड़े साहब ने इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया है। केस बहुत जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। ये लो। कोविड पॉजिटिव है। हाँ तो किसका है? अरे बोलो ना, किसका है? बोलना, चुप क्यों है? ये पिंकी का रिपोर्ट है। क्या? ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गलती हुई है। ओह गॉड, ये क्या हो गया?
विधि मैम को इसके बारे में पता चल गया तो मैं कैसे बताऊंगी उनको। देखिए, ये इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि कोविड के चलते हमें माइनॉरिटीज एरिया में जाकर चेकअप करना पड़ेगा। यस सर। हाँ, उधर थोड़ा रिस्क है, पर क्या करें, ड्यूटी है, जाना तो पड़ेगा ही। कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। देन गेट रेडी। यस सर। चलो। मैम, आपको आने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे वो आपका पीरियड। अरे मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन आना तो मुझे हर हाल में है। कैसे आओगे मैम? अरे एक सेकेंड, मेरे पास कुछ पड़ा है। क्या? एक मिनट, कहाँ पे रख दिया मैंने? हाँ ये लो। डायपर? अरे मैम, आप पैड की जगह अगर डायपर यूज करोगी ना तो फिर आपको 12 आवर एकदम कंफर्टेबल रहेगा। ओ, थैंक यू मैम। ये? हाँ, तो क्या हो गया? हमारी प्रायोरिटी है सेवा करना, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं रेडी हो जाती हूँ। मैम, सैल्यूट है। यस, ऑलवेज। चलो, आप सबको भी सैल्यूट है। चलो चलो, मैं अब रेडी हो जाती हूँ। में कहा तूने हमको वही करना है, तू कुछ नहीं करता है, खुद को खुद बनना है। तेरे बंदे ने अजमन में ये ठान लिया, तू बसा है इस दिल में जिसने दर्द उतार लिया। तू बसा इस दिल में जिसने दर्द उतार लिया। तू बसा इस दिल में जिसने दर्द उतार लिया। ये छोटू, अब्दुल का बुला क्या? ये लोग कितने आसानी से मानने वाला नहीं है। ए रफीक, ये लोग किडनी निकालना है। मैं मुझे नहीं लगता यहाँ हम कुछ कर पाएंगे। हम चेकअप तो करके ही जाएंगे। देखिए मैडम जी, आप यहाँ से चले जाइए वरना हंगामा हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते यहाँ से चले जाइए। लेकिन मैडम, अभी कोरोना की बीमारी इतनी फैल रही है तो हमें टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। सही बोले भाई। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाओ, नहीं तो पहले जैसा हाल कर दूंगा। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट ने हमें भेजा है आपकी सुरक्षा के लिए। हाँ। टेस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। हम किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मानते। हम तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। अरे ममता, लगा क्या? मैंने बोला था ना मैम, देखो आगे क्या हो गया। Thank you.
मैडम ये लोग नहीं मानने वाले। आप चले जाओ वरना। वरना वरना क्या? हाँ खून बहाओगे किस लिए और किस किस का खून बहाओगे? हमारा आपका? अरे अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए हमारे पूर्वजों ने मिलकर खून बहाया था, तो हम क्यों एक दूसरे का खून बहा रहे हैं? ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इससे आजादी पाने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। तो क्या हम एक साथ मिलकर इस बीमारी से नहीं लड़ सकते? आप लोग प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हम लोग यहाँ आपके लिए ही आए हैं। अगर आज हमने इस बीमारी का सामना एक साथ मिलकर नहीं किया तो इसका अंजाम हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। क्या आप लोग ये चाहते हैं? देखिए आप लोग प्लीज हमारे साथ आइए, हम आपका टेस्ट करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे अल्लाह ताला ने इन्हें हमारे लिए ही भेजा है, तो भी करते हैं, सही करते हैं, हमारे लिए ही करते। अच्छी बात है, चलो 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 चलो, हमें सपोर्ट करना चाहिए। चलो बैठ जाओ भैया।